हेलो एंड वेलकम गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कीमोटेक्जोनोमी। तो सिनॉप्सिस देख लीजिए, आपको इसमें इंट्रोडक्शन बताना है, डेफिनेशन, ऑरिजिन ऑफ कीमोटेक्जोनोमी, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, केमिकल टेक्स्ट कैरेक्टर और डायरेक्ट विजुअल कैरेक्टर, ठीक है। फिर काइंड्स बताएंगे, फिर कंक्लूजन, फिर लास्ट में रेफरेंस बताना। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। कीमोटेक्जोनोमी टेक्जोनोमी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज का क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन उनके केमिकल सब्सटेंस के बेस पर किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रोटीन, एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, इसीटा स्टडी किया जाता है। बॉडी में प्रेजेंट केमिकल कंपोनेंट को बायोकेमिकल एविडेंस कहते हैं, जिसके बेस पर एनिमल का अध्ययन किया जा सकता है, जो कि इवोल्यूशन का रिपोर्ट देते हैं। डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन बायोकेमिकल्स कंपोजिशन। दूसरे शब्दों में कीमोटेक्जोनोमी बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत बॉडी में पाए जाने वाले केमिकल कंपोजिशन के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। ओरिजिन ऑफ कीमोटेक्जोनोमी। अब कीमोटेक्जोनोमी के बारे में एल्टसन एंड स्वान ने 1960 में, बोदर्स एंड टर्नर ने 1971 में तथा बेरेट एंड एंटेरर 1973 में टेक्जोनोमी को एक नई दिशा दिया, ठीक है। अब इसका जो सन है आप ठीक से देख लेना। फिर एनिमल किंगडम में किसी भी जीव का बॉडी कई केमिकल से मिलकर बना है, इसमें से केवल कुछ बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स को ही एवोल्यूशन का एविडेंस माना गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बायोकेमिकल्स जेनेटिक रिलेशनशिप के अत्यधिक विश्वसनीय संकेत हैं, बिकॉज प्रोटीन्स जीन्स द्वारा अधिक क्लोजली से कंट्रोल होते हैं। एनाटॉमिकल फीचर्स की तुलना में नेचुरल सिलेक्शन के संबंध कम होते हैं। कुछ बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कीमोटेक्जोनोमी को आधार प्रदान करते हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्म। एवरी लिविंग सेल फ्रॉम अ बैक्टीरिया टू एन एलिफेंट, फ्रॉम अ ग्रास टू अ ब्लू व्हेल एच प्रोटोप्लाज्म। सभी लिविंग सेल में बैक्टीरिया से लेकर एलिफेंट तक प्रोटोप्लाज्म है, घास से लेकर ब्लू व्हेल तक में जितना भी बॉडी है प्रोटोप्लाज्म है। यद्यपि प्रोटोप्लाज्म की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी एंड घटक लोअर से हायर क्लास तक लिविंग ऑर्गेनिज्म तक बढ़ते जाते हैं, बट बेसिक कंपाउंड क्या हमेशा क्या रहता है? प्रोटोप्लाज्म ही होता है। न्यूक्लिक एसिड हो गया आपका, डीएनए एंड आरएनए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, जो कि दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और इन अम्लों की स्ट्रक्चर सभी ऑर्गेनिज्म में समान होती है। डीएनए हमेशा दो चैन होती है, जिनमें से एक डबल हेलिक्स होता है और एक प्रत्येक चैन न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोस शुगर, एक फास्फेट ग्रुप तथा एंड नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, जैसे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन आदि। ये नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक। डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। एंजाइम्स आर केमिकल कंपाउंड दैट हेल्प इन डाइजेशन। प्रोटीन एक विशेष प्रकार के एंजाइम लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा के द्वारा मनुष्य में भोजन को पचाता है। इन एंजाइम में जटिल से लोअर से हायर जीवों की ओर बढ़ती जाती है, बट मौलिक रूप से समान होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो जटिलता के हिसाब से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, बट जो मौलिक रूप से जिनका स्ट्रक्चर हो तो सेम ही रहता है, ठीक है। इस प्रकार बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो बॉडी में पाए जाते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स व्हिच इफेक्ट द न्यूरॉन्स टू द एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसी इन्फॉर्मेशन को क्या था, हार्मोन इफेक्ट करता है। इसी प्रकार ये हार्मोन्स, ये जितने बायोकेमिकल प्रोडक्ट, उसी बेस पर क्या कहते हैं, टेक्जोनोमी का स्टडी किया जाता है। इस प्रकार बॉडी में अनेक बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम एक्सेट्रा आदि। अब इस हिसाब पर जो है ना, जो कीमोटेक्जोनोमी है उसको कैरेक्टर को फिर डिवाइड किया गया है। कैरेक्टर दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट विजुअल कैरेक्टर और केमिकल टेस्ट कैरेक्टर। डायरेक्ट विजुअल कैरेक्टर कैसे होते हैं? वही केमिकल सब्सटेंस जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा ईयरली लोकेट होते हैं, दिखाई देते हैं, वो डायरेक्ट विजुअल कैरेक्टर रहते हैं। फिर केमिकल टेस्ट कैरेक्टर, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से नहीं देखे जा सकते, ऐसे केमिकल सब्सटेंस विभिन्न टैक्सा के विभिन्न विकासीय संबंधों को समझाने व सुलझाने
के लिए यूजफुल होते हैं। ऐसे कैरेक्टर क्या कहलाते हैं? केमिकल टैक्स कैरेक्टर। एनिमल में पाए जाने वाले आल केमिकल सब्सटेंस जिनका यूज टैक्सोनॉमी में मेनली किया जाता है, ये निम्न टाइप के रीजन है, जैसे एल्कलाइड्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है, कार्बनिक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड टू ग्रुप्स में पाए जाते हैं। मैमल्स का क्लासिफिकेशन भी एमिनो एसिड के क्रम पर बेस्ड है। ये प्रोटीन्स एमिनो एसिड तथा नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड दो ग्रुप में होते हैं। बीटा लाइंस क्या है? पिगमेंट की न्यू स्पीसीज सीरीज है। रेड और येलो पिगमेंट जिन्हें की क्रमशः बीटा लाइंस एंड बेटा जेलथिन कहा जाता है। ट्रिपिनॉइड क्या होता है? ट्रिपिनॉइड स्टेरॉइड कंपाउंड का विविध रूप समूह है, जिसे एल्कलाइड या ग्लाइकोलाइड या पिगमेंट की तरह माना गया है। काइंड्स ऑफ केमिकल अप्रोच, अब इसे निम्न प्रकार से स्टडी की जाती है, जो साइटोटैक्सोनॉमी है, कीमोटैक्सोनॉमी है, सॉरी कीमोटैक्सोनॉमी, उसको इस बेस पे स्टडी किया जाता है। इम्यूनोलॉजिकल बेस पे, फिर क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स इस बेस पर किया जाता है। ये सभी ब्लड टिश्यू एंड सीरम के केमिकल सब्सटेंस या कंपोजिशन की व्याख्या से रिलेटेड है, जो कि डेवलपमेंट व रिप्रोडक्शन दोनों में सेल्स के फीड्स के लिए आवश्यक केमिकल कैरी करते हैं। कंक्लूजन कैसे देंगे? अतः हमें यह पता चलता है कि कीमोटैक्सोनॉमी में एनिमल का क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन उनमें प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंस के बेस पर किया जाता है। रेफरेंस में देंगे प्लांट्स टैक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमेटिक्स बाई क्लिप्स एंड स्टीव। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। और क्या आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो ज़रूर कॉमेंट करें यस और नो। थैंक यू।